किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण को लागू करने के निर्देश किसान ले सकते हैं। नया लोन माफी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं होगी। जी हां, मुख्यमंत्री ने हर हाल में किसानों की कर्ज माफी करने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण को लागू करने के निर्देश दिए हैं। जय किसान फसल ऋण माफी योजना में जिन किसानों की लोन माफ हो रही है वो कृषि संबंधित कार्यों के लिए जरूरत के अनुसार नया लोन ले सकते हैं। नया लोन लेने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्व में वर्षों में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार ही उन्हें लोन मिलेगा। नया लोन लेने से लोन माफी की राशि या उनकी पात्रता में कोई अंतर नहीं आएगा। किसान अपने ऋण का नवीनकरण भी करवा सकता है। राज्य शासन ने स्पष्ट किया कि बैंकों के नोडल प्रमाण पत्र और भूमि बंधक मुक्त कराए जाने के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं है। अपेक्स बैंक की ओर से भी ऐसे कोई निर्देश नहीं है। इस स्तर में जिला स्तर पर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। बैंक अपनी स्तर पर ऋण वितरण करे और कृषि आदान की व्यवस्था सुनिश्चित करे। राज्य शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऐसे किसान जिन्होंने चालू ऋण खाते में 50,000 से अधिक तथा नॉन परफॉर्मिंग असेट रुपये 2,00,000 से अधिक और जय किसान कर्ज माफी योजना के प्रथम चरण में उन्होंने प्रकरण स्वीकृत नहीं किए हैं, ऐसे प्रकरणों की स्वीकृति में तत्काल निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ उन किसानों के लिए 2,00,000 रुपये तक का कर्ज माफ करेंगे जिनका पहले चरण में एक भी पैसा माफ नहीं हुआ था। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? आप भी चाहते हैं कि 2,00,000 तक की कर्ज माफी आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मिलनी चाहिए तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिए। जय